नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सर्च। बर्थडे पार्टी के दौरान दोस्तों में हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। दोस्तों ने मिलकर एक युवक को बुरी तरह से पीटा और लहूलुहान कर दिया। गर्ल्स कॉलेज के सामने ये हाई वोल्टेज ड्रामा करीब एक घंटे तक चला। सूचना मिलते ही पुलिस की इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया। वहीं सेक्टर 14 थाना पुलिस का कहना है कि मामले में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं दी गई है। शिकायत के आधार पर ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दरअसल एक युवक अपने दोस्तों के साथ गुड़गांव के सेक्टर 14 महिला कॉलेज के सामने स्थित क्लासिक डिलाइट कैफे में बर्थडे पार्टी मनाने आया था। इस दौरान सभी ने कैफे में ही शराब पी। नशे में धुत होने के बाद इन दोस्तों में आपस में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोस्तों ने आपस में ही मारपीट शुरू कर दी और बर्थडे बॉय को बुरी तरीके से पीटकर लहूलुहान कर दिया। कैफे के अंदर शुरू हुआ ये ड्रामा सड़क पर आ गया। इस घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। मौके पर पहुंची ईवीआर ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और उसका इलाज शुरू कराया। सेक्टर 14 थाना प्रभारी ने बताया कि घायल दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए यहां आया था। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। घायल की हालत स्थिर है। उसके द्वारा पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई है, जिसके कारण कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।